मैम पिला के खिलाए थे पानी में पिलाए थे पानी में। अच्छा कितना टाइम हो रहा पिला के? कितना टाइम हो रहा? कितने महीने हो रहे? कितने साल हो रहे? कितने घंटे? कितना टाइम हो रहा? बोल जल्दी बोल। छह महीने हो गए। अच्छा वो दवा कहाँ से लाए थे? इतना बोल। शमशान से? कब्रस्तान से? कहाँ से लाए थे? सही बोलो तभी चलो। बहुत नालायक परेशान कर रहा लोगों को। शमशान के कब्रस्तान कहाँ से लाए थे बोल? मुझे मालूम है मगर मैं तेरे जबान ही पूछा रहा हूँ वो लोगों को। हाँ जल्दी बोल। हाँ से? अच्छा कब्रस्तान से। हाँ ठीक है मुझे एक बात बोल। नाम नहीं पूछा मैं वो लोगों का। नाम नहीं पूछा किसने डाला तो सिर्फ इतना बता कि वो डालने वाली औरत थी क्या? दौर को क्लोज करो। लगा पूरी ताकत लगा के लौट। तेरी कितनी है तो झगड़ो उस कुत्ते इसी के साथ में। इतर लाओ। चल रहा है। लगा पूरी ताकत लगा जोर से। तेरे दोनों हाथ कतर दूंगा अभी। क्लोज दी डोर। एसी का डोर बंद करो। वो हाँ चला और जोर से। मारो उसको अंदर से और जकड़ के मारो। आग लगाओ उसके अंदर से। हाँ झगड़ा उसको अंदर से और तेजी के साथ। हाँ चला तेजी से बाहर आ। कमबख्त तेरा बाप का राज चल रहा है लोगों को सताने को। हाँ कब मारो बोले थे उसको? झगड़ो आग लगाओ उसके अंदर से तेजी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाओ उसको तेजी के साथ में। واستغفر الله ان الله غفور رحيم। जलाओ उसके अंदर से और तेजी से आग लगाओ। जकड़ो उसको नालायक उसको कतर के लेंगे उसको। चल रहे बोल कहाँ से आया था? हाँ शमशान कब्रस्तान। जो पूछा उसका जवाब देना तो अभी काट दूंगा नालायक ते दो टुकड़े कर दूंगा। कहाँ से आया था? कहाँ से? कहाँ से? सीधा नाम बोल। उस कुत्ते के साथ में काटा उस कुत्ते से जकड़ के। कहाँ से आया था? शमशान कब्रस्तान। नहीं छोड़ते। जलाओ उस कुत्ते से। सही सही बोला आजाद करा देता। कहाँ से आया था? शमशान कब्रस्तान। कहाँ से? कहाँ से आया था? हाँ जल्दी बोल छोड़ देते फिर हम। जकड़ो उसको जकड़ो। इसके दोनों हाथ काट के लेके बाहर टांग देंगे। हाँ बोल जल्दी कहाँ से आया था? मेरे सवाल के जवाब दे। कौन लोग भेजे मैंने वो नाम नहीं पूछा। सिर्फ मुझे इतना बता तू आया कहाँ से था अभी? शमशान से कब्रस्तान से। हाँ इसको कब मारने का था? अम्मास में पूनम में कब मारने का था? चलो कौन है मेरे सवाल के जवाब? नहीं मालूम मेरे को। और निकालो। नहीं मालूम। नहीं मालूम करता। बताएंगी जान लेती उसकी द्वारा। नहीं करती।
क्या क्या तकलीफ दे रही थी? जोर से बोल, जोर से बोल। क्या क्या तकलीफ दे रही थी? जल्दी बोल, तो दोनों हाथ चला दूंगा। जबान से बोल, जबान से बोल, जबान से बोल, जबान से बोल, जबान से बोल। क्या तकलीफ? ये धुआं का पानी, गुड़की लाओ, जल्दी अंदर से आग लगाओ उसकी। कब मारने का था? नहीं, छोड़ते नहीं देखो, जल्दी बयान कर। हाँ, सिर पे कपड़ा डालो जी उसके। हाँ, कब मारने का था? अभी इसी वक्त मेरे सवाल के जवाब देंगी, मैं जो पूछा वो तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दोनों हाथा कतर के बाहर टांग दूंगा। चलो उसके हाथा जगड़ लो, उसके दोनों हाथा काटने के। नजीक से लाओ कैमरा। हाँ, चल रहे हैं, बोल जल्दी, कहाँ से लाया था तुझे? नहीं 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 बयान कर, छोड़ दे जल्दी। नहीं मालूम है, उसको तकलीफ दे रही तो देंगे तकलीफ दोबारा? नहीं 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 नहीं, जोर से बोल। आया ना छाती दर्द करनी करी? हाँ, जान लेंगी उसकी। अच्छा, इसको कहीं में मिला खिलाया? नाम क्या है पेशेंट का? शाहाना बेगम। शाहाना बेगम, शाहाना बेगम को कहीं मिला खिलाए थे? क्या था वो, क्या था वो? चावल, दाल, सालन, रोटी, क्या था? क्या था? जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या था वो? اللهم فاعد الصلوات والارض والغد شهادة انت الرحمن الرحيم اللهم اني اعهد اليك في حاضر الهاد فعلا تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تغربني الله الشهد من غد من لا تكلم الله الرحمن من الله من دقاء من الله 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 अल्लाह नहीं मालूम। लगाओ इसके सिर में। अल्लाह अल्लाह नहीं मालूम, कौन है ये? नहीं मालूम मेरे को। नकल रहे आके? नहीं, नाम नहीं पूछा मैं, नाम नहीं पूछा मैं, जो पूछा वो जवाब होना। कहाँ से लाए थे वो पूछा मैं? शमशान कब्रस्तान। नहीं मालूम, अभी याद दिलाता हूँ। घर देखो, चलो उसके हाथा पकड़ो, कैसे याद नहीं आ रहा उसको? अल्लाह भैया, नाको मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है नाको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिला के खिलाए थे? पानी, टाइम में पिलाए थे? पानी में। अच्छा, कितना टाइम हो रहा पिला के? कितना टाइम हो रहा? कितने महीने हो रहे, कितने साल हो रहे, कितने घंटे, कितना टाइम हो रहा वो बोल, जल्दी बोल। छह महीने हो गए। अच्छा, वो दवा कहाँ से लाए थे इतना बोल? शमशान से, कब्रस्तान से? कहाँ से लाए थे? सही बोलो, अभी चलो बहुत नालायक परेशान कर रहा लोगों को। शमशान के कब्रस्तान कहाँ से लाए थे बोल? मुझे मालूम है, मगर मैं तेरे जबान ही पूछा रहा हूँ वो लोगों को। हाँ, जल्दी बोल। हाँ से। अच्छा, कब्रस्तान से। हाँ ठीक है, मुझे एक बात बोल, नाम नहीं पूछा मैं वो लोगों का, नाम नहीं पूछा किसने डाला, तो सिर्फ इतना बता कि वो डालने वाली औरत थी कि आदमी था? हाँ, आदमी, आदमी। अच्छा, इसके ससुराल की तरफ का था, मायके की तरफ का था? हाँ, जल्दी बोल, अब छोड़ देता हूँ। बोल, किधर का था? जोर से बोल। अब तुझे क्या बोले थे? इसका दम रोक के मार दे बोले मार दे बोले। चलो ठीक है, चलो उसको जकड़ के ले लो और खत्म कराओ सारी तंत्र मंत्र क्रिया, सब सिर पे उड़नी डालो ना रे। अल्लाह, कैमरा इधर मार, मतलब कट मत करो, कट मत करो, इधर मारो, मेरे तरफ मारो जी, ऐसे कच्चे खिलाड़ी तुम, कैमरा पकड़ने नहीं आ रहा, पीछे जाओ थोड़ा। ये जो मामला है ये खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, ये इसने बयान किया कि किस चीज में ला के पिला के किसने जादू किया, और ये
जो अमल जिसने भी किया उसने उसका कौन से खानदान की तरफ से वो भी बयान किया, इंशाल्लाह आगे सब तफसील में पूछूंगा कौन डाले थे, कहाँ से आता, क्या नाम था वो लोगों का, वो आगे के राउंडों में पूछूंगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये जो हरकतें होती है, जो दास्तानें हैं, ये खुद ब खुद नहीं आते, बहुत सारे बलाएं वबाएं जादू टोने की हरकतें जो रहती, जादू टोने की हरकतें, बलाएं, शैतानें, ये जो हरकतें रहती, तो ये खुद ब खुद नहीं आती, इनको जब तक छोड़ते नहीं, लाके लगाते नहीं। और उसको वो बच्ची की जान लेने के लिए लगा दिए, वो उसके पीछे लग गया और वो सब बयान कर दिया तुम्हारे सामने, कैसा कैसा लेवल चल रहा, उसका दम घुटा के उसको खत्म करने वाली थी वो बला, वो कौन लगाया था, वो आगे सब तफसील में पूछा दूंगा इंशाल्लाह। मगर ये जा बोलने वाले से जाने वाली किस्म की वबा नहीं है ये बला, ये बला को अमल जो भी रहता दास्तान उस हिसाब से अमला करके सब जला के राख करना पड़ेगा। इसलिए मोमिन बंदों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों सबको मैं ये बोलता कि तुम पढ़ो, तुम कुरान घर के अंदर एक मामूल बनाओ पढ़ने का, तो तुम लोग महफूज रहेंगे, किसका क्या देगा। बाकी ये बलाएं वबाएं घुस गए घर में तो बहुत परेशान करते, दवा गोलियों से नहीं मानते, बीमारी जो रहती है तो दवा गोली लेने के बाद यकीनन राइट होना ही होना है, जो राइट नहीं हो रही बार बार तो फिर वो ऐसी हरकतें रहती। अब उसकी सांस रुका रहा, सांस रुका रहा, सांस रुका रुका के उसको मार देने वाला था, वो खुद बोल रहा ना, उसकी जबानी बयान करा ना सामने, सुनो ना लोगों, अब मैं क्या बोलूं, मेरी जबानी, अब इससे बढ़ के तुम अल्लाह के कलाम इलाही का मौजजा और क्या देखेंगे। कुरान पढ़ने के बाद उसको कैसी मार पड़ती और कैसे बयान करना पड़ती सब बातें वो बलाओं को, वबाओं को। बाकी जिन्नात, शैतान, चुड़ैल किससे नहीं डरते, तुम कितने बड़े भी कुछ भी रहो, उन्होंने बोलते हे चल जा, तो हमारे सामने झिंगूर ऐसा बोलते हो तुम्हारे लोगों को, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह ने ताज नहीं पिनाया, जिसको अल्लाह ने ताज पिनाया फिर उसके सामने कुछ भी दाल नहीं गलती उनकी, जिसे उसका फौज देता अल्लाह, और वो फौज उनको ठेसा बना देती पूरे बलाओं को, जिन्नातों, शैतानों को बोल के उनकी कोई हैसियत नहीं रहती अल्लाह वालों के सामने और बुजुर्गाने दीन के सामने। बाकी वो नस नस में भिन गया, उसको नस नस से निकालना है तो उसको उसके तरीके जो भी रहेंगे, घरों को जाओ जैसा सिखाऊंगा वैसा करो, अल्लाह के हुक्म से पूरा तेजी के साथ फैज होके सब राइट होके कट होके खत्म हो जाता सब। और दूसरी बात के तुम बोलेंगे नीम हकीम खतरे में जान, वैसा नीम हकीम खतरे में अमलियात वाले भी जान डाल देते तुम्हारी, छोटे मोटे उनको आता नहीं कुछ, और खुद की जान खतरे में डाल देते हो, उनको जिन्नाता शैताना बाद में मार देते, यहाँ रात दिन के काम आने में सब मालूम है, तजुर्बे कैसे रहते, कैसे वार चलते, क्या दास्तान है, बहुत राज है, बहुत सारे बातें तुमको क्या बोलूँ खबर। बट इतनी सी बात बोलूंगा, अल्लाह कहीं सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम के चलो, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का अदब करो, तुम्हारी कितनी भी इबादतें, कितनी भी तुम्हारी क्या बोलते तो सजदे, तुम्हारे ज़कातें, हजें सब रद्द कर देता और फेंक देता तुम्हारे मुंह पे मार के फेंकने लगा देता अल्लाह, अगर आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का अदब नहीं करे तो। क्योंकि अल्लाह ने पहले फरमा दिया औलिया अल्लाह का अदब करो, और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे आल से बुग्ज रखा उसने मेरे से बुग्ज रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बंदो बताओ तुम अगर अल्लाह के नबी से बुग्ज रखेंगे तो फिर तुम्हारी दुनिया आखिरत कुछ सुधर सकती है, सब गर्क हो गई, हलाक हो गई, खत्म हो गए, गर्क हो गए तुम, फिर गर्क हो जाते, सब बर्बाद होगा तुम्हारा। तो इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से सैयदों से भी अदब और एहतराम से पेश आया करो, जहां पर भी तुमको अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन दिखे तो उनका अदब से मुसाफा ले लिया करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता कि उनके साथ एक लम्हा बैठी है तो तुम्हारी 60 साल की इबादत का सवाब दूंगा। तो बताओ फिर तुम अगर उनसे मुसाफा लेंगे तो तुम्हारे सारे वबाएं, बलाएं, जादू टोना सब खींच लेते हैं, तुम्हारे तुम पर रहमत अजमत नाजिल होना चालू हो जाती है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह खुद आके नहीं खींचता तुम्हारे का जादू टोना वबाएं, अपने बंदों के चुनिंदा बंदों के हाथ से खींचने लगा था, उनको फैज उनके हाथ से पहुंचाने लगा था तुम लोगों को अल्लाह, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे कैसा आएगा और उन्हें खुद आके तुम्हारे हाथ को पकड़ के कैसा तुमसे खींचेगा। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे गैलेक्सियों की औकात है, तुम्हारे सारे ग्रह मंडलों की औकात है, जो उसके नूर को बर्दाश्त करेंगे अरे जल के राख हो जाएंगे। तो उन्हें खुद नहीं आता, उन्हें अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से तुमको पैर पहुंचाता। ये अल्लाह के, ये अल्लाह के कलाम की, ये अल्लाह की दास्तान है कि देखो कलाम इलाही को आज भी तुम्हारे वास्ते कैसा फैज बनाकर भेजा है दुनिया के अंदर। दुनिया भी सवर जाएंगी, आखिरत भी सवर जाएंगी अल्लाह का कलाम अगर तुम पढ़ेंगे तो। बाकी तुम मनमानियां करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला बेटा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे फिर भी हर दर मांगना पड़ेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? ठीक है चलो रोक दो, ये रोकने का बोले तो उसको दबा दे।